हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंडिया और चाइना के ऊपर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो क्या कारण है जो अपना इंडिया से चाइना इतना आगे चला गया? कारण ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, लाइक अपना एसी, 80% एसी चाइना में बनाया जाता है। 70% फोन, स्मार्टफोन चाइना में ही बनाया जाता है। 45% सीमेंट चाइना में बनाया जाता है। स्टील 50% चाइना में ही बनाया जाता है। यही सब रीजन है जो चाइना बहुत ही आगे बढ़ गया है। और सेकेंड रीजन ये है, जो हम लोग अगर आज से 1990 का बात करूं, जी हाँ 1990 का, और मैं चाइना के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो अगर 1990 का जो चाइना का ग्लोबल मार्केटिंग वैल्यू था वो 3% ही था सिर्फ। अगर आज के डेट में हम लोग देखें चाइना का ग्लोबल मार्केटिंग वैल्यू तो 25% चला गया। जी हाँ, मैं चाइना का बात कर रहा हूँ। जो ग्लोबल मार्केटिंग वैल्यू थी 1990 में सिर्फ 3% थी, आज की अगर बात करूँ मार्केटिंग वैल्यू तो उसका ग्लोबल मार्केटिंग वैल्यू तो 25% उसका ग्लोबल मार्केटिंग वैल्यू है। इसकी वजह से हमारा इंडिया बहुत ही पीछे है और चाइना बहुत ही आगे है। और भी कारण है जो चाइना